Hello guys, welcome to my YouTube channel once again. For getting an update of used cars, please subscribe and press the bell icon. आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ Hyundai i10। ये जो वेरिएंट है स्पोर्ट्स वेरिएंट है, आई कैचिंग रेड कलर में है ये गाड़ी। फ्रंट ग्रिल में हमें Hyundai का लोगो देखने के लिए मिल जाता है क्रोम फिनिश के साथ, और नीचे बम्पर में फॉग लैंप कवर मिल जाता है। अगर हम इंजन की बात करते हैं तो हमें इसमें 1.2 लीटर का इनलाइन फोर सिलेंडर विथ मैनुअल 5 गियरबॉक्स का इंजन मिलता है। ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है। इसमें हमको 6000 आरपीएम पे 78.9 बीएचपी का मैक्सिमम पावर और 4000 आरपीएम पे 111.8 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इधर साइड पे कापा का बैज मिलता है। और पीछे हमें i10 की बैजिंग, स्पोर्ट्स का बैज, Hyundai का लोगो, Hyundai का बैजिंग और 1.2 लीटर का इसका इंजन है। कंपनी हमें 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज बताती है। इसका व्हील साइज 155/80 R13 इंचेस का मिलता है। अब हम चलते हैं इसकी बूट की तरफ, जो कि इधर से खुलता है इसका बूट। बूट स्पेस हमें 225 लीटर्स का मिलता है। और इसके नीचे हमें स्पेयर व्हील मिल जाती है। और उसका साइज 155/80 R13 ही मिलेगा। फ्यूल टैंक हमें 35 लीटर्स का मिल जाता है। और अब हम चलते हैं इसके गाड़ी के अंदर। जैसे दिखती है इसकी की, Hyundai का लोगो, लॉक और अनलॉक का बटन इसके रिमोट कंट्रोल पे। मैं आपको इसकी इंजन की वॉइस सुनाई देता हूँ अभी। ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 39,000 चली है। सामने बोर्ड पे आपको आरपीएम मीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज और टेम्परेचर गेज मिल जाता है। इधर राइट साइड पे आपको हेडलाइट एडजस्टमेंट कंट्रोल मिल जाता है। ये गाड़ी ऑल फोर पावर विंडोज है। एसी और हीटर भी मिल जाता है इसके साथ में। हमें 4 एसी वेंट डैशबोर्ड पे, चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है डैशबोर्ड पे हमें, 2 कप होल्डर्स और थोड़ी जगह मिल जाती है। डैशबोर्ड पे हमें ग्लव बॉक्स मिल जाता है। डोर पॉकेट्स में हमें थोड़ी जगह मिल जाती है कॉइन्स या फिर वॉलेट्स या फिर कुछ रखने के लिए। और वैनिटी मिरर हमें पैसेंजर सीट पे और ड्राइवर सीट पे मिल जाता है।
अब हम चलते हैं इसके पीछे सीट की तरफ। पीछे सीट्स में हमें डोर पॉकेट्स में हमें कोई जगह नहीं मिलती है और हैंडरेस्ट भी हमें नहीं मिलता है। कुछ ऐसा दिखता है पीछे से इसका। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।